हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तारके ने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2022 के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम दिए थे 2022 में, जिसका रिजल्ट 16 मार्च 2022 को जारी किया गया था, तो बहुत से स्टूडेंट क्या हुए, फेल हो गए, बहुत से स्टूडेंट पास हो गए। तो फेल स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे थे, तो उनका एग्जाम कब से होगा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, यानी कि उनका कंपार्टमेंट परीक्षा कब से होगा, सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहेगा। अगर अभी कंपार्टमेंट से एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड के 12th का, तो बने रहेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड से, यानी कब से कब आपका एग्जाम होगा, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, इसमें सारा जानकारी इस बताने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को भाड़ा में खो जाता है और वीडियो को लाइक नहीं करते। चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल भी प्रेस कर दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़कर दिखलाते हैं और आपको बतलाते हैं किस दिन किस विषय का एग्जाम रखा गया है। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं, अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट कॉमर्स स्पेशल साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड वोकेशनल कोर्स एग्जामिनेशन 2022, ठीक है फ्रेंड। अब आपका एग्जाम यहाँ से डेट ऑफ एग्जामिनेशन फैसिलिटी होगा फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा 25/4/2022 से, यानी 25 अप्रैल 2022 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें बताया किस दिन किस विषय का रखा गया है, देख सकते हैं इंटरमीडिएट साइंस फर्स्ट सीटिंग में रखा गया, मैथमेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सीटिंग में इंटरमीडिएट साइंस का रखा गया बायोलॉजी, यानी सेकेंड सीटिंग में बायोलॉजी रखा गया साइंस वाले के लिए, और आर्ट्स वाले के लिए मैथमेटिक्स रखा गया फर्स्ट सीटिंग में, और सेकेंड सीटिंग में हिस्ट्री रखा गया आर्ट्स वाले के लिए। उसके बाद कॉमर्स वाले के लिए रखा गया बिजनेस स्टडी फर्स्ट सीटिंग में, और सेकेंड सीटिंग में वोकल कर यानी कि इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट ट्रेड में वोकेशनल रखा गया इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट ट्रेड पेपर वन, यानी 404 से लेकर 430 तक ओल्ड न्यू पैटर्न के आधार पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद आपको 24/4/2022 को रखा गया इंटरमीडिएट साइंस के लिए फिजिक्स रखा गया, वही सेकंड सीटिंग में रखा गया इंटरमीडिएट साइंस के लिए एग्रीकल्चर रखा गया, ठीक है। अगर कमर्स है तो इंटरमीडिएट, अगर कमर्स है तो 24/4/2022 को रखा गया इंटर्नशिप, ठीक है। वहीं सेकंड सीटिंग में रखा गया म्यूजिक का रखा गया 308 म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकंड सीटिंग में इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए रखा गया फिजिक्स लॉजी, उसके बाद सेकंड सीटिंग में रखा गया इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट ट्रेड पेपर टू, और फ्रॉम सब्जेक्ट कोड 431 से लेकर 457 ओल्ड एंड न्यू पैटर्न के आधार पर रखा गया। उसके बाद 27/4/2022 को रखा गया इंटरमीडिएट साइंस, यानी साइंस वाले को 27/4 को रखा गया इंग्लिश का रखा गया, और इंटरमीडिएट सेकेंड सीटिंग में रखा गया साइंस वाले का हिंदी रखा गया, 108 सब्जेक्ट कोड से लेकर 125 सब्जेक्ट कोड तक यहाँ से रखा गया हिंदी रखा गया। उसके बाद कॉमर्स वाले के लिए रखा गया इंग्लिश है, और कॉमर्स वाले को सेकंड सीटिंग में हिंदी रखा गया, और आर्ट्स वाले को फर्स्ट सीटिंग में इंग्लिश रखा गया, और सेकंड सीटिंग में रखा गया हिंदी ही रखा गया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से 28/4/2022 को रखा गया केमिस्ट्री फर्स्ट सीटिंग वाले यानी साइंस वाले के लिए, और सेकेंड सीटिंग में रखा गया आर्ट्स वाले के लिए जियोग्राफी रख दिया गया, वहीं 28/4 फर्स्ट सीटिंग में लेकर आएगा इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले को इकोनॉमिक्स रखा गया, और सेकेंड सीटिंग में फाउंडेशन कोर्स रखा गया, और कॉमर्स वाले के लिए इकोनॉमिक्स, और सेकेंड सीटिंग में कॉमर्स वाले के लिए अकाउंटेंसी रखा गया है, सेकेंड सीटिंग में 28/4/2022 को अकाउंटेंसी रखा है। इसमें सारा जानकारी दिया गया है। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में ज़्यादा मजा भी नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। हम सारा जानकारी कब तक यहाँ से पढ़कर आपको समझाते रहेंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए। आपको जो भी विषय आप एग्जाम देंगे सप्लीमेंट्री का, आप इसमें से देख लीजिएगा कब आपका एग्जाम पड़ा है, ठीक है फ्रेंड। आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा शेयर कर, ताकि जितने भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना है अब वो अपना टाइम टेबल ढूंढ रहे हैं, तो अब इसके माध्यम से आप उनका टाइम टेबल मालूम चल सकेगा, आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो कर देते समाप्त, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सारी स्टूडेंट का मालूम चल सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें सारा जानकारी दिया है कब किसके एग्जाम पड़ा है, ठीक है।